हाई स्टूडेंट्स मैं अभिषेक हूँ विद्यागुरु से और आज का हमारा ये जो सेशन है सर्च एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होगा ये सेशन बायोलैंग्वल मीडियम में है जहाँ पे हिंदी का यूज़ ज़्यादा होगा तो अगर आपको ये लैंग्वेज ये मीडियम ऑफ डिलीवरी कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंग्लिश मीडियम सेशन भी देख सकते हैं जहाँ पे पूरा सेशन विद कंप्लीट सेशन विल बी एन इंग्लिश मीडियम तो आज जो शॉर्टकट्स हम सीखने जा रहे हैं ये शॉर्टकट्स कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और विद इन फाइव सेकेंड्स विद इन फाइव सेकेंड्स हम इन सर्च एंड इंडस्टिस बेस क्वेश्चन के आंसर्स निकाल लेंगे ये ट्रिक्स हम सीखेंगे एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूंगा कि सेशन एंड तक देखिएगा बिकॉज अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चंस हम देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और साथ में लाइक का बटन भी दबा दें तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री तो ये जो थ्री है विद इन स्क्वायर रूट कॉन्टिन्यू कर रहा है टिल इन्फिनिटी अब मैं देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूं मार्क कर सकता हूं और आंसर क्या है थ्री स्टूडेंट्स जब इस तरह का फॉर्मेशन हो ध्यान से सुनिए जब इस तरह का फॉर्मेशन हो जब कोई भी नंबर एन कोई भी नंबर एन स्क्वायर रूट विद इन स्क्वायर रूट विद इन स्क्वायर रूट इन्फिनिटी तक चलता जाए तो फिर उस फॉर्मेशन का आंसर क्या होता है उस फॉर्मेशन का आंसर नेट वही नंबर निकलता है और यहां पे ये नंबर था थ्री थ्री की जगह हमारा नंबर होता तो फाइनल आंसर क्या आ जाता फाइनल आंसर आ जाता हमारा 15. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स देखिए अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है अब ये जो नंबर इलेवन है ये जो नंबर इलेवन है ये स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट इंफिनिटी तक कॉन्टिन्यू नहीं हो रहा ये स्क्वायर रूट सिर्फ स्क्वाइव टाइम्स कॉन्टिन्यू हो रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ एलेवन स्क्वायर रूट ऑफ एलेवन स्क्वायर रूट ऑफ इलेवन ये इन्फिनिटी तक नहीं मैंने कहा सिर्फ फाइव टाइम्स तक कॉन्टिन्यू हो रहा है इससे पहले वाले एग्जाम्पल में स्क्वायर रूट इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यू हो रहा था अब क्वेश्चन में चेंज आ गया है तो इसका सीधा शॉर्टकट क्या है सिंपल ये जो नंबर है ये जो नंबर है इलेवन सीधा आपको आंसर बता रहा हूं आंसर किस तरह लिखेंगे ये जो नंबर इलेवन है इसकी आप पावर लिखेंगे और पावर किस तरह लिखेंगे ले ये समझना ज़रूरी है पहले स्क्वायर रूट का मीनिंग जानिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या है सेकंड पावर स्टूडेंट स्क्वायर रूट का मतलब होता है सेकंड पावर सेकंड का मतलब है टू तो ये जो स्क्वायर रूट चल रहा है यानी सेकेंड पावर चल रही है तो इस सेकेंड पावर का टू इस सेकेंड पावर का टू आप यूज़ करेंगे तो टू रेस्ट पावर एन टू पावर एन ये एन क्या है जितने टाइम्स रिपीट हुआ है जितने टाइम्स ये स्क्वायर रूट रिपीट हुआ है यहाँ पे रिपीट हुआ है फाइव टाइम्स तो टू रेज टू पावर फाइव टू रेज टू पावर फाइव माइनस वन ये बन जाएगा न्यूमरेटर इलेवन की जो हम पावर लिख रहे हैं उस पावर में न्यूमरेटर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर बन जाएगा टू रेज टू पावर फाइव माइनस वन और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा टू की पावर फाइव टू की पावर फाइव हो जाएगा अपना डिनोमिनेटर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इतना हम जानते हैं टू की पावर फाइव क्या होगा टू की पावर फाइव होगी थर्टी टू तो टू की पावर फाइव माइनस वन यानी आ जाएगा थर्टी वन तो फाइनल आंसर क्या आया फाइनल आंसर आएगा 11 की पावर थर्टी वन डिवाइडेड बाय थर्टी टू दैट इज द आंसर और अब आप ये शॉर्टकट जरूर नोट करेंगे ये ट्रिक जरूर नोट करेंगे ये जो नंबर है इलेवन इसको हम मान लेते हैं ए शॉर्टकट नोट कीजिए इस नंबर को हमने मान लिया ए और अब इस ए की आप जानते हैं आपको पावर लिखनी है क्योंकि ये सेकेंड पावर चल रही थी तो हमने लिखा टू टू रेस्ट पावर एन एन क्या है जितने टाइम ये रिपीट हुआ टू रेस्ट पावर एन जितने टाइम ये एन रिपीट हो रहा है माइनस वन ये बन जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर बन जाएगा टू की पावर एन तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है ये सीधा अपना शॉर्टकट है जो आपने यूज़ करना है नोट इसे अच्छे से कर लीजिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब इसमें एक और ट्वेस्ट है अब इसमें एक और वेरिएशन है इससे पहले इससे पहले तक क्या हो रहा था स्टूडेंट्स ये सीरीज भी इंफिनिटी तक कंटिन्यू हो रही है लेकिन अब ये प्लस साइन है अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 तो ये जो एडिशन का साइन है ये यहां पे चल रहा है और मैं देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकता हूं विदाउट विदाउट इवन इवन सॉल्विंग सॉल्विंग देखते ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकता हूं नाइन अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप भी ये सीधा नाइन यानी आंसर मार्क कर पाएंगे तो ये जो नंबर चल रहा है ये जो नंबर चल रहा है विद इन स्क्वायर रूट इस नंबर को ध्यान से देखिए ये सेवनटी टू है इस नंबर के आपने क्या करने हैं फैक्टर्स बनाने हैं फैक्टर्स बनाने हैं इस तरह से फैक्टर्स बनाएं कि फिर दो कंजटिव नंबर्स दो कन्जिव नंबर्स के फॉर्म में आपको दो कंजटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको 72 को लिखना है तो 72 कैसे लिख सकता हूं 72 टू इज़ एट इंटू नाइन ऐट इंटू नाइन ही क्यों लिखा 72 में 36 सिक्स इंटू टू भी लिख सकता था लेकिन 72 को 36 सिक्स इंटू टू नहीं लिखना है 72 को किस तरह एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंजटिव नंबर्स टि नंबर जिनके बीच का गैप सिर्फ वन होता है तो फिर एट इंटू नाइन ये कंजेकटिव और फिर आपको बड़ा नंबर चूज करना है कंजर्स में आप बड़ा नंबर चूज करेंगे बड़ा नंबर था नाइन नाइन है हमारा आंसर तो तरीका क्या था रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनिए ये जो नंबर चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर उसको एक्सप्रेस करें कंजटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में और फिर अगर प्लस साइन है ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स अगर प्लस साइन है तो आपने बड़ा नंबर चूज करना है यू हैव टू चूज द बिगर नंबर और बिगर नंबर मैंने कहा यहां पे था तो आंसर आ गया हमारा नाइन देखिए पांच सेकंड से भी कम में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं और यहां पर अब साइन चेंज हो गया देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में साइन प्लस का था अब स्कोयर रूट ऑफ नाइनटी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नाइन्टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नाइन्टी ये सीरीज चल रही है इन्फिनेटी तक तो फिर वही करना है इस नंबर को इस नंबर को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कंजटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कंजटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यानी नाइन्टी को लिख सकता हूं नाइन इंटू टेन नाइन्टी लिखा जाएगा नाइन इंटू टेन और क्योंकि साइन माइनस है जब साइन माइनस हो ध्यान दीजिए जब साइन माइनस हो तो फिर आप स्मॉलर नंबर चूज करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा तो उस केस में जब साइन माइनस है तो फिर स्मॉलर नंबर होगा हमारा आंसर और यहां पे स्मॉलर नंबर क्या है नाइन और टेन में से स्मॉलर है नाइन तो आंसर आ गया हमारा नाइन तो स्टूडेंट्स सीधा देखते ही आप जान सकते हैं नाइन इंटू टेन नाइनटी तो छोटा नंबर है नाइन आ गया हमारा आंसर विद इन फाइव सेकेंड ये सारी चीजें आप कर पाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या ट्विस्ट है अब नंबर चल रहा है सेवनटीन आपको लगेगा ये तो पिछले एग्जाम्पल्स जैसा ही है लेकिन ये पिछले एग्जाम्पल्स जैसा नहीं है क्योंकि अब जो नंबर चल रहा है सेवनटीन सेवनटीन को आप कंजटिव नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते सेवनटीन एक ऐसा नंबर है जो फिर कंजटिव नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आप लिख ही नहीं पाओगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन को किस तरह है? सॉल्व करें अब ये जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर आपको बुक्स में नहीं मिलेगा तो फिर अच्छे से इसे नोट कीजिएगा अब क्या करना है अब ये जो नंबर है इसको मान लेते हैं ए यहाँ पे ए है हमारा नंबर और ये ए क्या चल रहा है ये ए चल रहा है सेवनटीन तो अब शॉर्टकट ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा किस तरह फोर ए प्लस वन ये फोर ए प्लस वन जो है स्क्वायर रूट के अंदर चलेगा और एक वन आप ऐड करेंगे स्क्वायर रूट के बाहर तो फोर ए प्लस वन ये ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर है और ये जो वन ऐड हो रहा है ये एक वन जो है स्क्वायर रूट के बाहर है और ये पूरी चीज डिवाइड होगी टू से ये पूरी चीज़ डिवाइड होगी टू से ये शॉर्टकट आ रहा है असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां से ये शॉर्टकट निकल के आता है बट एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होने जा रहा है कि हम ये पूरी कोट्राटिक इक्वेशन बनाएं सॉल्व करें तो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ और यहाँ पे ए क्या है ए है स्टूडेंट्स हमारा 17 तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू सेवनटीन प्लस वन फोर इंटू सेवनटीन प्लस वन ये स्क्वायर रूट के अंदर और एक वन मैंने कहा एड होगा लेकिन वो स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा डिवाइडेड बाई टू तो सेवनटीन फोर्जा सेवनटीन फोर जो सिक्सटी एट सेवनटीन फोर जो सिक्सटी एट सिक्सटी एट प्लस वन क्या हो जाएगा सिक्सटी नाइन तो स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी नाइन फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स स्टूडेंट स्क्वाइन प्लस वन और ये पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है टू से डिनोमिनेटर क्या बन गया टू तो स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी नाइन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ये रहा अपना आंसर लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है अब स्टूडेंट्स ये भी जानना जरूरी है कि फिर अगर साइन जो है वो माइनस का चल रहा हो यहां पे तो प्लस का साइन चल रहा था अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर क्वेश्चन में ट्विस्ट है साइन तो चेंज हो गया है तो फिर ऐसे में क्या करेंगे ऐसे में शॉर्टकट क्या है पहला पार्ट सेम रहेगा पहला पार्ट यानी फोर ए प्लस वन जो स्क्वायर रूट में चल रहा था वो पार्ट सेम चलेगा और अब क्योंकि साइन माइनस है क्योंकि साइन माइनस है तो वो जो बाहर वाला वन है वो माइनस हो जाएगा वो जो बाहर वाला वन है स्क्वायर रूट के बाहर जो वन है वो माइनस हो जाएगा वो एड नहीं होगा क्योंकि साइन क्या है माइनस और ये डिवाइड हो रहा है टू से तो फिर ये अपना शॉर्टकट आ गया इस शॉर्टकट को अच्छे से नोट कीजिए फोर ए प्लस वन ये स्क्वायर रूट के अंदर और इस बार साइन नेगेटिव का है और ये वन जो है माइनस हो रहा है तो फिर आ, ए मैंने कहा यहाँ पे क्या है ए है हमारा थर्टीन तो फोर इंटू थर्टीन प्लस वन फोर इंटू थर्टीन प्लस वन ये स्क्वायर रूट के अंदर है और माइनस वन पूरा ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगा टू से तो सॉल्व कर लेते हैं थर्टीन फोरजा फिफ्टी टू थर्टीन फोर्ज़ा फिफ्टी टू फिफ्टी टू प्लस वन फिफ्टी थ्री तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी थ्री स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय टू और ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये मैंने कहा अच्छे से दिमाग में रखनी है बिकॉज एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का अब तक स्टूडेंट्स हमारे सारे एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखिए अब तक हमारे सारे एग्जाम्पल्स में स्क्वायर रूट आ रहा था अब मैं क्यूब रूट पे आ जाता हूं यानी अब सेकंड पावर की जगह थर्ड पावर देखिए पावर जो है सेकंड से क्या हो गई थर्ड हो गई और अब ये कॉन्टिन्यू हो रहा है एक्सप्रेशन टिल इन्फिनिटी तो क्यूब रूट ऑफ थर्टी सिक्स ध्यान दीजिए अब क्यूब रूट ऑफ थर्टी सिक्स इनसाइड दैट क्यूब रूट ऑफ थर्टी सिक्स क्यूब रूट ऑफ थर्टी सिक्स ये चल रहा है इन्फिनी तक क्वेश्चन दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है खतरनाक सा लग रहा है और लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बट इस क्वेश्चन का सीधा आंसर इस क्वेश्चन का सीधा आंसर मैं बता सकता हूं जो कि होगा सिक्स इस क्वेश्चन का सीधा आंसर निकलेगा देखते ही सिक्स अब शॉर्टकट क्या है इसके पीछे जरा देखिए ये जो नंबर एन है ये जो नंबर एन है यहाँ पे एन क्या था एन था हमारा थर्टी सिक्स तो ये थर्टी सिक्स जो है क्यूब रूट के अंदर चलता चला जा रहा है तक अब क्या करना है आंसर कैसे निकलेगा शॉर्टकट क्या है इस पावर को जो थर्ड पावर थी आंसर में ये जो थर्ड पावर थी इसको कम करके सेकेंड पावर कर देंगे यानी एक कम हो जाएगा थर्ड पावर से क्या हो जाएगा सेकेंड पावर हो जाएगा ध्यान दीजिए फाइनल आंसर में क्या होगा फाइनल आंसर में ये जो थर्ड पावर थी ये कम हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी ये बन जाएगी सेकेंड पावर और ये जो नंबर थर्टी सिक्स है ये थर्टी सिक्स का थर्टी सिक्स ही रहेगा तो ये आ गई अपनी शॉर्ट ट्रिक और फाइनल uh, आंसर क्या आया फाइनल आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स तो स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स यानी सिक्स तो देखिए सीधा पांच सेकंड में इनफैक्ट आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे करना क्या है पावर को कम करना है पावर को वन से डिक्रीज करना है और ये जो नंबर है ये एन जैसे का वैसा ही रहेगा तो आंसर आया सिक्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का फाइनल क्वेश्चन जो है इसमें पावर और बढ़ गई स्टूडेंट्स इसमें पावर थर्ड पावर की जगह फोर्थ पावर हो गई थर्ड पावर की जगह फोर्थ पावर हो गई और ये कंटिन्यू हो रहा है इन्फिनिटी तक ये एक्सप्रेशन भी इन्फिनिटी तक चल रहा है तो अब शॉर्टकट के थ्रू आंसर निकालेंगे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे और पावर एक कम कर दीजिए फोर्थ पावर से फोर्थ पावर से क्या हो जाएगी थर्ड पावर देखिए फोर्थ पावर चल रही थी ना फोर्थ पावर चल रही थी यहाँ पे तो पावर एक कम हो जाएगी पावर एक कम हो जाएगी थर्ड पावर हो जाएगी यानी क्यूब रूट स्टूडेंट्स थर्ड पावर हो जाएगी यानी क्यूब रूट और ये जो नंबर एन है ये थ्री फोर्टी थ्री ये नंबर क्यूब रूट में आ जाएगा ये नंबर वैसे का वैसा आपने कॉपी कर लेना है तो क्यूब रूट ऑफ थ्री फोर्टी थ्री क्यूब रूट ऑफ थ्री फोर्टी थ्री क्या होता है थ्री फोर्टी थ्री का क्यूब रूट होगा सेवन असल में इतना आप जानते हैं स्टूडेंट्स इतना आप जानते हैं कि थ्री फोर्टी थ्री क्या होता है थ्री फोर्टी थ्री होता है सेवन का क्यूब इस तरह देखिए थ्री फोर्टी थ्री होता है सेवन का क्यूब तो अंदर है सेवन का क्यूब और बाहर है क्यूब रूट अंदर है सेवन का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री बाहर है क्यूब रूट तो जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आएगा आपके पास सेवन तो फाइनल आंसर आया सेवन और स्टूडेंट्स आई होप आपने आज ये जो शॉर्टकट्स हैं इनको अच्छे से फॉलो किया है तो फिर और ऐसे वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारा पूरा कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो बहुत एडवाइजेबल है बिकॉज उसमें हमारे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट होगा वैलिडिटी भी उसमें पूरे वन ईयर की होती है सो विद दैट आई टेक योर लीव थैंक यू सो मच